जी हाँ सर। स्टूडेंट है हमारे साथ, थोड़ा नाम बताइए अपना। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इसहाक अली है और मैं कोरबा छत्तीसगढ़ से हूँ। और आज हमारा ये दूसरा दिन है इस इंस्टीट्यूट में, और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये चार बोर्ड पड़े हुए हैं, चारों अलग अलग मॉडल्स के हैं। और यकीन मानिए, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो पहले तो आपसे सेल्फ इंट्रोडक्शन लिया जाता है कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, और ऐसी बेफिजूल सी बातों में टाइम को वेस्ट किया जाता है। कम से कम 10-15 दिन ऐसे ही खींच लिए जाते हैं, और ना ही वहाँ डिसिप्लिन होता है और ना ही किसी तरीके का भी कोई मैनेजमेंट होता है। और सिखाने के नाम पे वहाँ सिर्फ और सिर्फ यूँ कहा जाए तो टाइम वेस्ट के अलावा और कुछ होता नहीं है। मगर यकीन मानिए कि आज ये मेरा दूसरा दिन है, और ये जो चारों जो मदरबोर्ड आप देख रहे हैं मेरे हाथों में, ये चारों का मैंने कंपोनेंट टेस्ट किया है। आज हमारा कंपोनेंट टेस्ट का लास्ट डे था, और दूसरे ही दिन में हमने पूरे इसमें जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, सारे के सारे कंपोनेंट्स को हमने इसमें जाना पहचाना कि किस तरीके से इसमें कौन से कंपोनेंट्स काम करते हैं और इसमें कितने वोल्टेज कब कब आते हैं। और हमने ये सारी की सारी चीज़ें लाइव बोर्ड में की हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें किसी भी तरीके का कोई भी ऐसे छेड़खानी आपको नज़र नहीं आएगा। और हमने इन्हीं मदर बोर्डों में हमने लाइव ये पावर आईसी को भी निकाला है और उसे बैठाया भी है, हमने सही रीडिंग ली है और सही तरीके से हमने इसे प्रोसेस किया है। और यकीन मानिए, ये हमने अपने मन से नहीं किया, ये तो फर्स्ट टाइम था जो मैंने किसी भी तरीके का रिवॉल्विंग प्रोसेस किया हो। हमने हर तरीके के आईसी को उठाया, हर तरीके के आईसी को जो है रिवॉल्विंग किया, और हालांकि हमने बैठाने के लिए सिर्फ आज हमने पावर आईसी को ही बैठाई सही तरीके से, और हमने उसमें रीडिंग भी बहुत सही ली है। और बाकी रिवॉल्विंग का अगर कहा जाए तो हमने रिवॉल्विंग तो यूनिवर्सल स्टेंसिल से, प्रॉपर स्टेंसिल से नहीं, यूनिवर्सल स्टेंसिल से इतनी बेहतरीन तरीके से की है कि अगर देखे कोई तो वो कहेगा ही नहीं कि हमने इसे यूनिवर्सल से किया है। हर चीज़ का टेक्निक होता है, और ऐसा भी नहीं है कि हम अगर यूनिवर्सल से कर रहे हैं तो हमें उसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। हमने बहुत ही क्विक किया, बहुत ही फास्ट किया। यहाँ अगर आप सुनेंगे तो सर फ़ोन करके आपको यही कहेंगे कि यहाँ 12 घंटे क्लास चलती है, जो कि ज़रा सर झूठ सी बात है। हम सुबह का आए हैं और आज अभी 10 बजने वाले हैं, लगभग हमें 14-15 घंटा हो चुके हैं, और अभी भी क्लास हमारी कंटिन्यू है। हमारे सारे के सारे साथी अभी भी रिवॉल्विंग प्रोसेस कर रहे हैं, और ये तब तक डन नहीं होगा जब तक हम कम से कम इस प्रोसेस को दिन भर में कम से कम 20 बार से ज़्यादा ना कर लें। हमारे टीचर्स हमें अलाउ नहीं करते कि हम यहाँ पर आकर के किसी भी तरह की बेफिजूल की बातें करें। मेन चीज़ यहाँ है डिसिप्लिन। अगर हम यहाँ किसी भी तरीके की छोटी सी भी अगर गलती करते हैं तो उस चीज़ के लिए हमें टीचर्स बगल में बैठाते हैं और उसे प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं। ये नहीं कि एक बार बता दिए हमारा ड्यूटी ख़त्म, तुम अपना समझो, हमने तुम्हें एक बार बता दिया ज़्यादा हो रहा है, तुम बोर्नियो स्कीमेटिक खोलो और उसमें समझो। लेकिन हमें बोर्नियो की जो डीप नॉलेज है वो हमें टीचर्स ने आज दूसरे दिन में दी है। हमने आज तक कभी भी किसी भी तरीके का स्कीमेटिक खोला नहीं, ना ही हमने किसी डायग्राम को देखा, ना ही हमने इससे पहले कभी भी किसी भी सिंबल को समझा था या देखा था। लेकिन आज देव सर ने जिस तरीके से हमें गाइड किया, पिछले दो दिनों से हमें वो गाइड कर रहे हैं कि जो कंपोनेंट्स हैं वो किस तरीके से टेस्ट किए जाएंगे और किस तरीके से वो वर्क करते हैं। और उसमें भी हम स्कीमेटिक अगर खोलते हैं तो एक अगर डायोड होता है तो उसका सिंबल क्या होगा, एक कैपेसिटर होता है उसका सिंबल क्या होगा, उसकी एग्जैक्ट रीडिंग क्या होगी, वो एग्जैक्टली वर्क क्या करता है और कैसे वर्क करता है। जिस तरीके से एक इंजीनियर को पढ़ाया जाता है, एक टेक इंजीनियर को जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, फील ऐसा है कि मानिए कि हम खुद ही एक इंजीनियर हैं। हमें पढ़ाया किसी प्रोफेसर के जरिए जा रहा है, किसी मोबाइल के टीचर के जरिए नहीं। और यूँ कहा जाए तो ये एक टीचर नहीं, एक काबिले तारीफ प्रोफेसर हैं। इनके पढ़ाने का जो टेक्निक है ये मैं लिख करके देता हूँ, एशिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं होगा। हमारे जो देव सर हैं इनका जो पढ़ाने का टेक्निक है, इनके पास, हमारे पास उन्होंने एक आईसी हमारे आंखों के सामने बाईपास की है। वो जाने किस दुनिया से घूम करके आया, सारे के सारे टेक्नीशियंस ने घुटने टेक दिए, लेकिन वो हमारे सामने बैठे, सिर्फ 5 मिनट उन्हें लगा, वो आईसी को ही बाईपास कर दिए और पूरा का पूरा लाइट सेक्शन को ओपन कर दिए। उसमें आप अभी रिसेंटली अगर वीडियो अपलोड हुई होगी तो आप जा करके देखिए, उसमें जो लाइट है पूरी तरीके से जल रही है। आप उसमें ना किसी भी तरीके का ब्लिंक देखेंगे और ना ही किसी भी तरीके ग्लिच देखेंगे। वेल, दे आर नॉट गिविंग मी एनी काइंड ऑफ मनी टू से दिस काइंड ऑफ वर्क, सो
Yeah, I'm saying it all by myself because it's my personal experience. ये सिर्फ और सिर्फ मेरी दो दिन की जुबान बोल रही है. हमारी ये क्लास कम से कम 28 दिन की होने वाली है. मैं ये सोचता हूँ कि अगर हमें सर बोल रहे हैं कि हम तुम्हें एक टेक्नीशियन नहीं एक टीचर बनाएंगे, तो मैं ये कहता हूँ कि हम टीचर नहीं प्रोफेसर बन के जाएंगे, क्योंकि हमारे जो सर हैं वो खुद ही ऐसे हैं. क्योंकि गुरु ऐसा ही होता है जो जैसा उसकी नियत होती है, और उसके जो शिष्य होते हैं वो भी ऐसा ही होता है जैसा उसका गुरु होता है. तो जैसे हमारे देव सर हैं, इंशाल्लाह हम भी वैसे ही बनेंगे. और मैं खासतौर पर आखिर में शुक्रिया अदा करना चाहूँगा MD सर का, जिन्होंने हमारी प्रैक्टिकल में हमें एक स्टूडेंट की तरह नहीं, हमें अपने बच्चे की तरह रखा, हमें हमारी हर गलती पे माफ़ किया और हमें कंटिन्यू रखा. हम बहुत खुश हैं कि हम ऐसे इंस्टीट्यूट में आए हैं जहां गाइडेंस नहीं, एक गुरुकुल जो है ये है, और जहां गाइडेंस पूरी तरीके से दिया जाता है, और यहां बैकअप सपोर्ट के नाम पे आप समझिए कि ये आपका घर है. आपका जब मन करे आप तब आइए, और आप अगर यहां आना चाहते हैं तो प्लीज़ आइए. मेरी आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि दे आर डिजर्व, वी डिजर्व, एक्चुअली वी डिजर्व मोर एंड मोर. और हमें ऐसे ही टीचर की ज़रूरत है जो हमें खुद भी टीचर बनाए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करे, ना ही अपने बेफजूल की नॉलेज. थैंक यू सो मच एशिया टेलीकॉम. मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो. क्या नाम है आपका? संतोष. अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीयू निकल रहा हूँ. कौन सा फोन है ये? MI Y1 है ये. तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं. हम सुनते हैं सिर्फ अपनी इज्जत की. जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत.